नमस्कार दोस्तों, रामकला से दोस्तों प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा हमारे घर गाय भैंस बच्चा करने वाली है। जैसे कि एक महीना से दो महीना बच्चा करने को रह गया है, चाहे आपकी गाय है या भैंस है, तो दोस्तों जो हम फार्मूला बताने जा रहे हैं, अगर इस फार्मूला का आप यूज करते हैं आपकी जो गाय भैंस है 15 लीटर दूध देगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है दोस्तों, हमारे हर पशुपालक को इस फार्मूला को यूज करना चाहिए। ये फार्मूला दोस्तों यूज करने से आपकी जो गाय भैंस है उसके अर्डर में जो थन होता है बढ़ेगा और दूध जो पहले ब्याथ में देती थी उससे कहीं ज़्यादा दूध देगी। उनकी नस्ल ऊपर दोस्तों डिपेंड होता है, ऐसा नहीं है कि सभी गायें 15 लीटर दूध देगी। अगर उनकी कैपेसिटी है कि उनकी क्षमता है दूध देने की, तो वो उसके हिसाब दोस्तों 15 लीटर दूध अगर देने की क्षमता है तो 15 लीटर दूध देगी। तब क्योंकि दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि जो गाय भैंस की क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार दूसरे ब्याथ में दूध नहीं दे पाती। जैसे कि पहले ब्याथ में दूध दिया उन्होंने मान लो 12 लीटर, तो हो जाता है ऐसा कि अगले ब्याथ में वो 5 लीटर 6 लीटर पर आ जाती हैं। तो दोस्तों ये फार्मूला यूज करने के बाद आपके जो गाय भैंस दूध देती हैं उनकी दूध देने की क्षमता नहीं घटेगी, दूध देने की क्षमता बढ़ जाएगी। कम से कम 3 से 4 लीटर तक उसकी क्षमता बढ़ाएगी अगर वो दुधारू नस्ल की गाय भैंस है तब। तो क्या देना है दोस्तों, किस तरह देना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों जैसे मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल परिवार चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपको उनको सवाल जो है नीचे कमेंट जरूर करें। अब दोस्तों बात आती है फार्मूले का। ये तो दोस्तों जैसे ठंड का मौसम है, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, फिर गर्मी का मौसम आएगा, तो इस फार्मूले को आप ठंड के मौसम में यूज कर सकते हैं, गर्मी का मौसम है उस मौसम में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप ठंड का मौसम अभी चल रहा है तो इसमें क्या है, आपको थोड़ा मात्रा में कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मौसम है बहुत ज़्यादा ठंडी है तो उसके हिसाब से मात्रा देना है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसके हिसाब से मात्रा देना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या लेना है, किस तरह देना है, इसके लिए दोस्तों हमें ज़्यादा नहीं देना है, लिमिट में ही देना है। तो सबसे पहले हमें लेना कितना, 50 ग्राम गुड़। गुड़ दोस्तों बहुत ही जो है पौष्टिक चीज़ होता है जो तुरंत एनर्जी देता है, क्योंकि जब आपकी गाय भैंस के पेट में बच्चा होता है तो उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो हमारे पशुपालक एनर्जी नहीं दे पाते। एनर्जी ना मिलने के कारण वो बच्चा जो अंदर है वो भी कमज़ोर होता है, जो उनकी पशु है वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो उसके लिए हमें गुड़ 50 ग्राम, सिर्फ एक दिन का हमें 50 ग्राम जो है गुड़ लेना है। और जो भी आपके पास मोटे अनाज हैं जैसे गेहूँ जौ मक्का बाजरा जो भी है सबको मिक्स करें। अगर जैसे नहीं सब मिक्स मिल रहा है तो जो भी आपके पास उपलब्ध होता है एक या दो अनाज, तो उसको क्या है आपको ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे मान लो आपकी गाय भैंस है उसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आप मात्रा भी कर सकते हैं, कम से कम आधा किलो लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो। जैसे बहुत भारी में गाय है, बहुत भारी में भैंस है, आपकी शरीर बहुत भारी है, तो उसके हिसाब से क्या है आप मात्रा को ज़्यादा भी कर सकते हैं और मात्रा को कम भी कर सकते हैं। तो कम से कम आपको लेना है आधा केजी अनाज लेना है। उसे लगभग दोस्तों 1.5 से 2 लीटर पानी में भिगो देना है, कम से कम 12 घंटे भिगो रखना है, फिर उसके बाद उसको ले लेना है। तो उसमें 50 ग्राम गुड़ डाल देना है। गुड़ डालने के बाद दोस्तों आग में पका लेना है। आग पर पकाने के बाद उसमें 2 चम्मच नमक डालना है। नमक से भी दोस्तों कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है, वो भी उनके लिए बहुत आवश्यक है। और जो अनाज आप देंगे, जितने भी अनाज मोटे होते हैं सब में विटामिन एच पाया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि जो उनके पशु हमारे पशुपालक जो हैं उनके पशुओं को अगर दूध जो है देने वाली हैं या गाभिन है, तो जो भी पशुपालक हैं उन्हें विटामिन एच देते हैं। तो जितने भी हमारे मोटे अनाज हैं सभी अनाज में विटामिन एच पाया जाता है। तो उससे क्या उनके थन अडर बहुत बढ़ेगा, और जो उनका जो अडर के साथ साथ दूध भी दोस्तों बढ़ता है। तो उसमें आधा केजी जो है अनाज लेना है, 50 ग्राम जो है गुड़ लेना है, और 2 चम्मच नमक लेना है, और उसी में दोस्तों लगभग आप तेल ले लीजिए। जैसे सरसों का तेल हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त है ये भी है दोस्तों, उनको हर चीज़ में उनको मिलेगा, उससे उनका इम्यूनिटी पावर जो होता है वो बढ़ता है। तो तेल की मात्रा मान लीजिए 35 से 40 ग्राम भी आप डाल सकते हैं। आप एक टाइम का खुराक उनको पर डे दीजिए। ऐसे दोस्तों कब तक देना है आपको, मान लीजिए कि जैसे आपकी जो गाय भैंस है कि बच्चा करने के लगभग अगर
15 दिन रह गया है, 20 दिन रह गया है, तब से आप दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मान लो कि 2 महीना रह गया है, तब से इसको चालू कर दिया जाता है, तब उनके शरीर में बहुत ज़बरदस्त जो है ये सूट करता है। मान लो 2 महीना बच्चा करने को रह गया तब दे सकते हैं, मान लीजिए जैसे कि अभी 1.5 महीना बच्चा करने को रह गया है तब भी आप दे सकते हैं, और 1 महीना रह गया तो भी दे सकते हैं, या 15 दिन बच्चा करने को रह गया है तो भी आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इस फार्मूले दोस्तों यूज करने में बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो फार्मूला है बहुत बढ़िया तरीका है दोस्तों। तो ये सब देने के बावजूद दोस्तों कब तक देना है, जब तक कि बच्चा ना कर दे, बच्चा करने जैसे आज बच्चा कर दे तो उसको ये बंद कर देना है। फिर जो उसका जेर होता है, अमर होता है, उसको गिराने के लिए दोस्तों हमको क्या है जो दिया जाता है उकाड़ा बना करके, जैसे यूटोन हो गया, और यूटोन तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमने ऐसा देखा लोग यूटोन नहीं देते हैं, यूटोन ना मिलने के कारण दोस्तों उनके जो जेर होता है, अवर होता है, वो सही तरीके से नहीं गिर पाता, फिर जो है वो दिक्कत करती हैं, परेशानी होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वो बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के कारण दोस्तों दूध नहीं दे पाती और चारा कम खाने लगती हैं, जेर रुक जाता है, बच्चे दारिंग इन्फेक्शन होता है। तो दिक्कत नहीं करना है, जो आप देसी उकाड़ा बना रहे हैं, देसी काढ़ा जो बना रहे हैं वो आप बना कर दीजिए, लेकिन साथ ही साथ में आप यूटोन लीजिए। यूटोन 100 ग्राम से लेकर 125 ग्राम यानी 100 ग्राम से 125 ग्राम तक आप यूटोन जो है अपने गाय भैंस को बच्चा करने के बाद तुरंत पिलाएं। अगर ये सब आपने दिया है कि दूध 15 लीटर बढ़ जाएगा, उसकी कैपेसिटी है 15 लीटर दूध देने की, लेकिन दोस्तों आप लोग गड़बड़ी कर दिए, यूटोन नहीं दिलाए, उसकी मैला छाटा नहीं हुआ, तो जो उसका दूध देने की क्षमता है नहीं आ पाएगी, वो बीमार हो जाएगी, फिर आप परेशान होंगे, दवाई देंगे, सुई देंगे, और इंजेक्शन लगने के बाद तो बिल्कुल दूध खत्म हो जाएगा, फिर आपको दूध बढ़ने की संभावना इस व्यात में नहीं रहेगी। तो ऐसी गलती नहीं करना है। यूटोन आपको जो हो 1 लीटर से 1.5 लीटर तक आप बिल्कुल पिलाएं, 100 से 125 ग्राम सुबह और शाम, उसमें सब लिखा रहता है। अब बात आती है दोस्तों कि जैसे मान लो देसी जो उकाड़ा होता है, देसी उकाड़े में जो आप देते हैं गुड़ तो तुरंत दीजिए, क्योंकि ब्याने के बाद उनके पास जो एनर्जी होती है, ताकत होती है, कम हो जाता है, तो आपको लगभग 300-400 ग्राम तो गुड़ वैसे भी खिला सकते हैं, तो उसको तुरंत एनर्जी मिलेगी, तुरंत उन्हें ताकत मिलेगी, तो खड़ी हो जाएगी, थोड़ा घूमने टहलने लगेगी, और जो जेर होगा उसको गिराने में उसे ताकत मिलेगी, तो जेर भी जो है बहुत आसानी से गिर जाएगा। बाकी जो उकाड़ा बनाया जाता है, गुड़ हो गया, हल्दी हो गया, अजवाइन हो गई, मेथी हो गया, और सब कुछ आप दे जाता है, नमक हो गया, सब चीज़ को उकाड़ा बनाकर, काले मिर्च हो गया, सब मिला करके उसको उकाड़ा में दीजिए। जब दोस्तों उकाड़ा खाएगी पिएगी तो उसके अंदर जब एनर्जी आएगा तो जेर भी बहुत आसानी से गिर जाएगा। जेर मेन दुश्मन होता है गाय भैंस के दूध को कम करने के लिए। तो जो फार्मूला दोस्तों हम बताएं इस फार्मूला को यूज करें और अपने गाय भैंस के दूध को बढ़ाएं। अगर ठंड का मौसम है दोस्तों तो मान लीजिए आप जैसे ये फार्मूला बताया गया है उसमें कुछ आपको बदल फेर नहीं करना है, जो मात्रा है उसमें बढ़िया मात्रा है। अगर गर्मी का मौसम है, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप तेल की मात्रा भी कम कर सकते हैं और जो गुड़ है उसकी मात्रा भी कम कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त है उनकी अर्डर को बढ़ाने का, दूध बढ़ाने का। अगर उनकी कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी है, मान लो जैसे आप एक ब्यात में मान लो 15 लीटर दूध पाए हैं, तो अगर आप इस फार्मूले को यूज करते हैं तो आपको जो बच्चा करेगी तो लगभग वो 17 से 18 लीटर दूध देगी। ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और आजमाया हुआ फार्मूला है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।